नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मथुरा नवागत जिलाधिकारी पुलकित खरे आए पीलीभीत से स्थानांतरण होकर पूर्व जिलाधिकारी एनएस चहल आगरा के जिलाधिकारी बनाए गए। तो वहीं पुलकित खरे जिलाधिकारी कल देर रात मथुरा आकर लिया चार्ज। पत्रकारों से हुए रूबरू, सर्वप्रथम वह वृंदावन बांके बिहारी जी गए, कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया, डबल लोक का चार्ज लिया, कमियों को सुधारने हेतु अधीनस्थाओं को निर्देशित किया। तो वहीं नवागत जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं के संदर्भ में और कोई भी पीड़ित नहीं रहे, यही मुख्य बिंदु बताए। इस दौरान नवागत जिलाधिकारी पुलकित खरे जी को जनपद के जिलाधिकारी नियुक्त होने पर बधाई देने आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता ने जिलाधिकारी पुलकित खरे जी को श्री राधा कृष्ण की छवि भेंट कर उनको पटुका उड़ाकर स्वागत किया। आरपीएस समाचार के लिए मथुरा से कैमरामैन मुशीर अंसारी और मुशरफ खान के साथ ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं और मथुरा के नवागत जिलाधिकारी महोदय पुलकित खरे जी पीलीभीत से आए हैं यहाँ पर स्थानांतरित होकर, और पूर्व जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल साहब आगरा स्थानांतरित हुए हैं, आगरा के जिलाधिकारी पद पर गए हैं। और हम बता दें कि शासन की मंशा के अनुरूप ही यहां पर पुलकित खरे जो आईएएस अधिकारी हैं मथुरा के जिलाधिकारी, उनको बनाया गया है और उन्होंने कल देर रात ही चार्ज ग्रहण किया। और जो है यहां पर पूर्व से प्रस्तावित उनके जो कार्यक्रम थे वो सर्वप्रथम वृंदावन बिहारी जी दर्शन करने के लिए गए और कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। और जो है उन्होंने सर्वप्रथम यहां पर आकर डबल लॉक का चार्ज लिया, कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया और जो भी यहां पर कमियां देखी गई उनके लिए अधीनस्थ आला अधिकारियों को दिशा निर्देशित जिलाधिकारी मथुरा पुलकित खरे साहब ने यहाँ पर किया गया, उनको निर्देशित। मथुरा से आरपीएस समाचार जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।